अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ इंजीनियर शाहजान सुमरो। सो अज जो जो असो जो टॉपिक आ वो द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जंग आज़ादी 1857 जहा है 1857 जो का सो इंडिया की तारीख इंडिया की सियासी समाजी तारीख में एक जो का सो तमाम माना वही अहमियत रखे तो उनसा गडोगर थो तो इन जो का सो साल में जी बगावत थी 1800 द वार ऑफ इंडिपेंडेंस आज़ादी वाली जी जंग थी उनके द म्यूटिनी भी चंदा बगावत भी चंदा यह असल में जो का स्टार्ट थी जैसा एक नई सिविलाइजेशन जो का जन्म वो एक जो का नई तारीख जो का रकम वती उनसा गडोगर थो तो एक मन जो का सो एक ट्रांजिशनल जो का पीरियड अची वो सिविलाइजेशन उनसा गडोगर एजुकेशनल सिस्टम जो का सो फिलॉसफीज ऑफ लाइफ जिंदगी फलसफो वगैरह ये सब जो का सो चेंज किया माना एक नव शेप मिलो उनसा गडोगर थो माना इन द फर्स्ट प्लेस जी आज़ादी वाली जंग हुई इनमें सिर्फ जो सोल्जर्स इंडिया जी सिपाही हुआ बरतानिया के माना जो अंडर में कम कंदा सिर्फ वो सिपाही न हुआ पर उनसा गडो गुड इंडिया जो सारी जी आबादी है सजो अवाम भी उन जंग में जो सो शामिल हो मुलविस हो उनसा माना पैं हकन जो सो आवाज़ उथारे रहा छो उन माना आवाज़ उन जबरी तौर जो सो इल ट्रीटमेंट कर इनोसेंट जो मू हुआ उन्होंने जो सो माना अंग्रेज़न जो एक माना वर्ताव जो सो माना खराब हो उन्होंने हकीर ए जलील जो सो इंडियन मानून के समझंदा हुआ आखिर में छा थो जो सिपाही उनसा गडो गड इंडिया जो आवाम सब मिली कर बगावत शुरू कई जैसे जो सो म्यूटिनी रेबेलियन भी चंदा उन माना पाँच हकन ला जो जंग उड़ी उन अलावा शायद हि एक माना कौमी ए मजहबी जंग हुई कौमी ए मजहबी जंग हुई उनसा गडो गड माना ये जंग जो सो माना तमाम जो सो माना एक अहम जो सो तारीख में है उनसा गडो गड एक माना इनके ऑर्गेनाइज रिबेलियन चंदा ये हो एक ऑर्गेनाइज जो सो रिबेलियन हो ये असल में जो सो जंग थी तो जी माना अवेयरनेस अचे एज अवेयरनेस कैम थ्रू द माइंड्स ऑफ द पीपल एज दे बी कैम जो माना इंसान जो सो इंडिया जहाँ मूल जो वे शऊर जो सो अपनाएं शऊर उन अचे तो उन मानून में जो शऊर आयो उन हक आज़ादी लाइ सो उन माना बरतानिया से विढ़िया उनसा गडो गड इंडिया जो सो माना काजिज़ आन इंडिया माना जो सबब कड़ा हुआ जंग जहाँ हाँ काजिज़ जो वन बाय वन में डिस्कस कदम उनको पैरों जो काज आ वो मिल्ट्री रिवोल्ट मिल्ट्री रिवोल्ट मीन्स फौजी जो सो हाँ फौजी बगावत थी हाँ हाँ इंडिया के माना मानून में इंडिया के सोल्जर सिपाही उन दिलों में जो सो माना तमाम जो सो माना वही नफरत हुई अंग्रेजन के बारे में अंग्रेजन की वे माना तमाम जो सो माना नसब पसंद न कंदा हुआ अंग्रेजन के माना न पसंद कंदा हुआ छो उन माना जो पॉलिसीज हुई उन्हें जो इल ट्रीटमेंट जो सो ट्रीटमेंट जो सही न हो हाँ इन मिल्ट्री रिवोल्ट फौजी बगावत छे कर थी इन जो माना एक रीज़न जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्राइमरी जो रीज़न है वो यो आके ये कारतूस जो राइफल हुई उन दौर में वह राइफल जो हल्दा वह राइफल जी होंगी उनमें जो कारतूस पवंदा वो एक माना सूअर की चर्बी ए गऊ की जो चर्बी में ठल हों वो कारतूस वो जो वात से हणी कर उन राइफल में वी राइफल हलणी पवी हुई असल में छो तो यो माना बिन्हीं मजहबन के खिलाफ हो हिंदू मजहब के खिलाफ भी ए मुसलमान के मजहब भी खिलाफ हो हिंदू के मजहब में तक खबर आ तो गाय माता जी चंदा ए मुसलमान में तो सूअर गोश्त शाह सूअर ही हराम आ समझो तो एकड़ो इो रीज़न हो इन बो इो रीज़न तो जो सो फौजी जो अंडर में कन कम कन पा बरतानिया के उनके जो सो असल में हक न पा दिना उन्होंने जी रैंक आना उन असल में सैलरी जी वो तमाम घट भी मिले उनके न सैलरी जो सो सही तरह दिनी पे वे बो उन हकीर ए जलील समझो पे उन माना नाइंसाफी उन माना जो सो अंग्रेजन वही नाइंसाफी कई उन सिपाही से हाँ सिपाही के करी पानी जिंदगी भी वन पानी जान भी दियन इन ईस्ट इंडिया कंपनी के तभी उन सो माना वह जो सो पगार सैलरी न पी मिले वो मुआवजो न पो मिले उनसा गडो गड तो यो माना जो सो यह फौजी बगावत हुई हाँ बो जो अस काज आ रिलीजियस काज मजहबी जो सो इन सबब हाँ मजहबी
मज़हबी सबब इो हो हाने जड़ी हाने ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज आया बर्त उन में असल में अंग्रेज के साउथ एशिया में आया दक्षिण एशिया में उ व्यापार हिसाब से आया हुआ समझो न व्यापार हिसाब से आया वो आस्ते आस्ते जो सो उन्होंने माना माहौल में वाकफ़ थी ठन त मुगल एम्पायर जो सो मुगल सल्तनत भी कमज़ोर थी थी वे इन ला सो एक माना चांसेस जो सो माना उभरी आया एज टू रूल ओवर सब कॉन्टिनेंट मतों माना हुकुमरानी जो सो ख्याल आया अंग्रेजन मतों अंग्रेजन जो सो माना एक सियासी जो सो माना साजिशूँ पैदा क्यों अंदरूनी बाहरी तौर जो सो इन पूरे मुगल एम्पायर के ख़त्म कर छोड़ो उन्होंने पान में विड़ा कर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कई इन जो सो उन्होंने बाद में इन्हें जो सो जो मजहबी क्रिश्चियन मिशनरीज ईस्ट इंडिया कंपनी से गो जो पादरी इंदा हुआ ईसाई पादरी उन्हें जबरी जो सो मजहबी जो सो कन्वर्जन कन जैसे अस प्रोसेलिटाइजेशन प्रोसेस चंदा प्रोसेलिटाइजेशन हाँ इनमें थी मजहब की जबरी तब्दीली हाँ मजहब जो सो माना मजहब ये जो सो जबरी तब्दीली कई पे जबरी तौर जो सो अंग्रेज जो ईसाई हुआ पादरी हुए माना मजहब उन्होंने चेंज कराने पा कन्वर्ट पा कराने असल में इनो मिशन यो हो आम मानू की अखियं खुली हुई तो माना ईस्ट इंडिया कंपनी जी आया अंग्रेज आया इन असल में मकसद यो आ जो प्रोपगेट जो सो क्रिश्चियनिटी के जो प्रोपगेट किया वे समझो प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी माना ईसाइत के जो सो फैलाय वे मजहब के फैलाय वे उन गो गो व्यापार से गो गुड़ इन जो सो मिशन यो भी हो तो माना असा जो सो वही एज वही प्रोपगेट द क्रिश्चियनिटी हाँ इन क्रिश्चियनिटी के स्प्रेड करने की कोशिश कई समझो न इन्हें चो तो माना यो सजो सब कॉन्टिनेंट यो बल्क वार्क ऑफ ईस्ट जो सो क्रिश्चियनिटी माना थी ईसाइत के इन्हें फैलाया वो उनमें थो माना मजहब की जबरी तब्दीली कई वही उन गो गो यतीम हुआ ऑर्फनेज एक गिजाई कलत फेमाइन आई 1837 में 1837 में फेमाइन गिजाई कलत आई उनमें थो तो जे गिजाई कलत हुआ माना मानू केतरा यतीम थी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन तमाम जो सो खराब थी व्यू तो माना मानू गरीब थी यतीम जो है उनके यतीमन के भी जो सो माना जबरी जो तब्दीली करी पे उन्होंने के माना मजबूर कर उनके मजहब जो सो माना लालच दई मजहब चेंज कर पे उन्होंने उनसा गो गो तो इन माना जी कंपनी हुई उसे माना कंपनी ऑफिशल्स उन्होंने माना दावत दई कर सोल्जर्स या सिपाही तो उनके माना खुतबो कंदा हुआ ईसाई पादरी जो उनके माना मजहबी ईसाई मजहब मजहबियत जो खुतबो कर ईसाई की माना जबरी तब्दीली कराइंदा हुआ तो रिलीजियस काज यो तो माना उ माना बे मजहब जो माना उन्होंने के को भी माना खाब ख्याल न हो माना बे मजहबन के ये गली समझंदा उन्होंने के तंकीद कंदा हुआ बे मजहब से ये सिर्फ चंदा ईसाई तो माना सब कुछ है ईसा की हर शे तो इनका गडो गड माना इनो यो माना मकसद हो तो अज जो अज के लिए एतरो ही काफ़ी है तुम मुझे चैनल के सब्सक्राइब कर इंशाल्लाह जो सो नेक्स्ट जो सो लेक्चर में अं काजेज वन बाय वन जो सो डिस्कस कर तेस तीन इंशाल्लाह गड रहा मुख्य दुआ में याद करजो मेहरबानी अस्सलाम वालेकुम।